सस्ती और मुखबिर बच्चे अब स्मार्टफोन से पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पहले चरण की 3 दिवसीय कार्यशाला एसीआरटी भवन में जारी है। 3 चरणों में स्मार्टफोन ऑपरेटर कर स्लेप्स पढ़ना सिखाया जाएगा। हाथों में स्मार्टफोन, कानों में ईयरफोन लगाकर दृष्टिबाधित मुखबधिर छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ बताया कि स्मार्टफोन से पढ़ाई सहज और सरल है। बच्चों के लिए सुगम और सरल बनाने के लिए पाठ्यक्रम को एम जंक्शन संस्था है जिनसे हमारा उनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है बीआरपीस को। उस ट्रेनिंग के बाद उनके द्वारा ऐसे 100 जो है स्मार्टफोन्स प्रदाय किए जा रहे हैं इन बच्चों को। और टोटल जो हमारे पास चिन्हित बच्चे हैं उनमें से जो कुछ बच जा रहे हैं लगभग 72-73 उनको जो हमारे अप्रूव बजट है उनसे दे रहे हैं। दृष्टिबाधित बच्चे अब स्मार्टफोन से पढ़ाई करेंगे, कैसे ये पढ़ाई करेंगे? यहाँ पे कार्यशाला यहाँ पे जारी है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये दृश्य आपको दिखाएं। यहाँ पे तमाम दृष्टिबाधित बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं जो कार्यशाला का लाभ ले रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि वो अपने पढ़ाई स्मार्टफोन के माध्यम से कैसे कर सकते हैं और इसका उपयोग वो कैसे करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे ट्रेनर भी मौजूद हैं, यहाँ एनसीईआरटी के यहाँ पे शिक्षक भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, कैसे मतलब कैसे उपयोग करेंगे दृष्टिबाधित बच्चे जो ये फोन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? सर, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं इसमें हर फोन में एक फंक्शन होता है टॉकबैक का, उस बच्चे वो बच्चे टॉकबैक ऑन करेंगे और एक इजी रीडर एक ऐप है, इजी रीडर एक ऐप है, इसके अंदर में बुक शेयर से काफी सारे जो रायपुर की जो पाठ्यक्रम की जितनी पुस्तकें हैं छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम की वो सारी बुक शेयर में अवेलेबल। ये कौन से फॉर्मेट में होंगे? जैसे कि बच्चे जो देख नहीं सकते तो वो वॉइस के माध्यम से होगा, और जो देख सकते हैं ये कैसे मतलब होगा? ये वॉइस के माध्यम, जो दृष्टिबाधित बच्चे वो वॉइस के माध्यम से इस बुक को पढ़ सकते हैं। अभी आप लोग को स्मार्टफोन के माध्यम से सिखाया जा रहा है कि आप कैसे अपना पढ़ाई करेंगे। कैसा लग रहा है, आप कैसे इसको चलाने में अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सहायता मिलेगा इससे आप लोगों को पढ़ने में? बहुत सी सहायता मिलेगी, जैसे कि हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं तो पुस्तक एकदम नजदीक से पढ़ते हैं ना तो आंख में दर्द देने लगता है और आंसू आंसू आने लगता है ना, तो उससे थोड़ी राहत मिलेगी। इसमें सुन सकते हैं और थोड़ी देख सकते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा सुविधा मिलेगा हम लोगों को। तो अभी आपने उन छात्रों को सुना जिन जो कई लोग देख नहीं सकते तो कई लोग सुन नहीं सकते, उनको हाथ में स्मार्टफोन थमाया गया है, इसमें टॉकबैक के माध्यम से वो पढ़ाई करेंगे। अब देखना ये होगा, हालांकि छात्रों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं अगर ये स्मार्टफोन उनको मिल जाता है तो उनके जो पढ़ाई में बहुत हेल्प होगी, उनका जो पढ़ने की स्पीड भी जो बढ़ेगी क्योंकि वो सुन के साथ और पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह एक नई दिशा दी जा रही है बच्चों को। अब देखना ये होगा कि आगे इनको बच्चों को कितना फायदा मिलता है। कैमरामैन रेखराम के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता